अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यूनिट 15। इस रीडिंग करना शुरू करते हैं नए चैप्टर की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ करंट। द यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज वेरी वाइड। मोटर्स एंड इलेक्ट्रिक मीटर्स आर बेस्ड ऑन द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक करंट इन वायर्स। जनरेटर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ वायर्स नियर वेरी लार्ज मैगनेट्स। अब बेसिकली जो नाम से ही आपको पता लग रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी का नाम है, और वो मैग्नेटिक फील्ड जो कि करंट ने प्रोड्यूस की होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म करंट की प्रोड्यूस की हुई मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करने का नाम है, ठीक है। उसके अलावा वो कहता है कि ये काफ़ी मतलब यूज़ होती है बाकी फील्ड्स में भी, जैसे कि हर मोटर के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड होती ही होती है, ठीक है। उसके अलावा जितने भी मीटर्स होते हैं उनमें भी ये यूज़ होती है कॉन्सेप्ट। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जनरेटर। जनरेटर में क्या होता है कि हम देखते हैं कि करंट किस तरह प्रोड्यूस होता है कि हम मोशन कराते हैं एक लूप की अराउंड अ मैग्नेट, और मैग्नेट से क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कॉन्सेप्ट हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। रीडिंग करना शुरू करते हैं पहला टॉपिक इस चैप्टर का, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ अ स्टडी करंट। एम्पेयर डिस्कवर दैट व्हेन अ करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। अब एम्पेयर एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने ये बात दरियाफ्त की थी कि जब भी एक करंट पास करता है किसी भी कंडक्टर के अंदर से, किसी भी वायर के अंदर से, तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब हमें ये तो पता था कि चार्जेस जो हैं करंट के अंदर वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो पैदा करते ही हैं, ठीक है। मतलब पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जो कि अवे फ्रॉम दैट चार्ज मूव करती है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जो चार्ज इसकी तरफ आती है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का हमें नहीं पता था, वो हमें एम्पेयर ने बताया था, ठीक है। टू डेमोन्स्ट्रेट दिस वी टेक अ स्ट्रेट कंडक्टर वायर एंड पास इट वर्टिकली थ्रू अ कार्डबोर्ड। अब वो कहता है कि हम क्या करते हैं कि इस मतलब कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक सर्किट बनाते हैं इस तरह का। इसमें क्या है, एक बैटरी है और जिससे करंट पास हो रहा है एक वायर के अंदर। अब ये जो करंट है ये इस लूप के अंदर घूम रहा है, साथ में एक की है हमारे पास, ठीक है। तो उसने दिखाया कि जो हमारा करंट है जब वो इस कार्डबोर्ड के अंदर से गुजरता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइन्स हैं वो ट्रेस हो सकती हैं। और उसने एक कंपास के थ्रू उसने उसको ट्रेस कर लिया, और वो उसने उसकी दिखा दी कि किस डायरेक्शन में घूम रही है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। या तो उसने कहा वो क्लॉकवाइज घूमेंगी या वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। क्लॉकवाइज तब जब सोर्स इस डायरेक्शन में, और एंटी क्लॉकवाइज जब सोर्स इस डायरेक्शन में होता है। आगे बढ़ते हैं। नाउ कनेक्ट द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर वायर एंड द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी सो दैट करंट फ्लोस थ्रू द सर्किट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब वो कहता है कि जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करते हैं तब क्या होता है, द लाइन्स ऑफ फोर्स ऑन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड द वायर वुड बी इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अब ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो वाले सर्कल्स होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है, मतलब कि एक दूसरे को वो कट नहीं करे किसी भी पॉइंट पे, वो बस अपनी डायरेक्शन में मूव किए जा रहे हैं, ठीक है। इफ़ यू प्लेस अ कंपास नीडल एट द डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इट विल अलाइन अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऑल्सो इफ़ वी स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग्स ऑन द कार्डबोर्ड अराउंड द वायर दे विल अलाइन देमसेल्फ इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब वो कहता है कि हम कंपास से अगर ट्रेस करें ना इस पूरी मैग्नेटिक फील्ड को, तो ये कंसेंट्रिक सर्कल्स की शेप में आएगी, मतलब सर्कल्स बने होंगे डिफरेंट रेडियस के। उसके अलावा कहता है कि अगर हम आयरन के छोटे पीसीज मतलब कह लें ज़रात, अगर हम इसके ऊपर डालें तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस की डायरेक्शन में ही अपने आप को अरेंज कर लेंगे, मतलब हमें नज़र आएगा कि ये सर्कल बना हुआ आयरन का, ठीक है। इफ़ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट बाय रिवर्सिंग द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी द कंपास नीडल ऑल्सो रिवर्सेज इट्स डायरेक्शन। Now the magnetic field lines will align in the anti-clockwise direction. The magnetic field produced is stronger near the current carrying conductor and weaker farther away from it. अब हमने जब उसकी direction उल्टी की तो हमने देखा कि concentric circles तो बने लेकिन direction जो है ना वो compass से जो हमने find किया वो उल्टी है, ठीक है। अब दूसरी बात उसने ये कही है कि एक जो magnetic field है ना उसकी strength जो है ना वो current कैरिंग कंडक्टर के पास स्ट्रॉन्ग है और दूर है वो वीक है। वो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में पढ़ा था कि हमें कैसे पता लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, वो हमें पता लगता है कि नंबर ऑफ लाइंस से। कहने का मकसद है कि नंबर ऑफ लाइंस हैं वो कंडक्टर के पास जो हैं वो ज़्यादा हैं, और जब हम दूर जाते जाते हैं वो कम हो जाती हैं, और एक वक्त ऐसा आता है कि वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती हैं जब हम कहते हैं कि इन्फिनिट डिस्टेंस पे है फ्रॉम चार्ज, ठीक है। तो ये करंट से वो इन्फिनिट डिस्टेंस पे हो जाता है और फिर उसका इफेक्ट नहीं रहता इसके ऊपर, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अब हमने पता तो कर लिया कि दो किस्म की डायरेक्शंस होती हैं,
एक होती है क्लॉकवाइज, एक होती है काउंटर क्लॉकवाइज। ये कैसे फाइंड करते हैं वो हम इस टॉपिक में देखते हैं। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गवर्न बाय द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। अब वो कहते हैं कि ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमेशा करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। जिस करंट से वो प्रोड्यूस हो रही थी मैग्नेटिक फील्ड, उसी पर डिपेंड कर रहा होता है। अ सिंपल मेथड ऑफ फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर इज द राइट हैंड ग्रिप रूल। अब उसने वो मेथड बता दिया है जिससे हम पता कर सकते हैं कि क्या डायरेक्शन है, वो है राइट हैंड ग्रिप रूल। क्या है वो रूल पढ़ते हैं। ग्रास्प अ वायर विद योर राइट हैंड सच दैट योर थंब इज पॉइंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द कर्लिंग फिंगर्स ऑफ योर हैंड विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब वो कहता है कि जिस तरह एक वायर है, इसके अंदर से करंट पास कर रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो आपने क्या करना है कि इस तरह पकड़ना है कि आपका अंगूठा भी ना करंट की डायरेक्शन में हो। जब आप इस तरह कर लेंगे तो जो आपकी जो फिंगर्स होंगी ना, वो जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रही होंगी, मतलब उंगलियों का जो कर्ल होगा, मतलब किस तरह घूम रही होंगी, वो उससे पता लग जाएगा कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड की किस तरह डायरेक्शन है। मतलब अब ये इस तरह जा रही है, मतलब ये ऐसे घूम रही है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यानी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ये है राइट हैंड ग्रिप रूल। उसके बाद आते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलिनॉइड। अ कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लूप्स इज कॉल्ड अ सोलिनॉइड। अब सोलिनॉइड क्या है, वायर की एक टाइप है। अब इसमें क्या होता है कि सिंगल वायर को हमने ऐसे लूप्स बनाए होते हैं जिससे हम उस एंड पे क्या कह देते हैं कि सोलिनॉइड है। अब ये जो है ये सोलिनॉइड है जिसमें हमने लूप्स बनाए हुए ज़्यादा सारे, ठीक है ये एक ही मेटल स्ट्रिप पूरी। द फील्ड फ्रॉम ईच लूप इन अ सोलिनॉइड एड्स टू द फील्ड ऑफ अनदर अदर लूप्स एंड क्रिएट्स ग्रेटर टोटल फील्ड स्ट्रेंथ। मतलब इससे क्या होता है कि हर लूप की जो इलेक्ट्रिक वो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐड हो जाती है, और एंड पर जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इन द सोलिनॉइड ऑफ वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड विच इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ परमानेंट बार मैग्नेट। अब ये जो परमानेंट बार मैग्नेट है इसकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होती है, और वो कहता है कि जो सोलिनॉइड की इलेक्ट्रिक वो मैग्नेटिक फील्ड है जो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से प्रोड्यूस होती है वो इसी के क्लोज आ जाती है, मतलब काफ़ी स्ट्रांग होती है। When the this current carrying solenoid is brought close to the suspended bar magnet, one end of the solenoid repels the north pole of the bar magnet. लेकिन कहता है कि जब हम इस सोलिनॉइड को जो कि जिसके अंदर से करंट गुजर रहा है, मतलब कि उसने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, हम क्या करते हैं एक बार मैग्नेट लेते हैं। बार मैग्नेट होता है जो सिंपल एक मैग्नेट होता है जिसमें एक नॉर्थ और साउथ पोल होता है। इसकी फिगर कहीं बनी होगी इधर, ये रहा बार मैग्नेट, ठीक है, इसको बार मैग्नेट कहते हैं। अगर वो सस्पेंडेड का मतलब है कि बस एक रस्सी के साथ उसने बांध दिया उसको और उसको वहाँ पे ढीला छोड़ दिया कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो उससे इफेक्ट हो जाएगी। तो कहते हैं कि जब भी हम उसके पास लेकर जाते हैं तो उसका जो नॉर्थ पोल है ना वो इसके साउथ पोल की तरफ आ जाता है। दस द करंट कैरिंग सोलिनॉइड हैज़ अ नॉर्थ एंड अ साउथ पोल एंड बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। तो कहने का मकसद है कि इस सोलिनॉइड का एक नॉर्थ पोल भी है और एक साउथ पोल भी है इस सोलिनॉइड का, और नॉर्थ पोल हमेशा वो होता है जहाँ से मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर निकल रही होती हैं, साउथ पोल वो वाली साइड होती है जहाँ से सारी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन अंदर आ रही होती है मैग्नेट के, ठीक है। द टाइप ऑफ टेम्प्रेरी मैग्नेट विच इज क्रिएटेड व्हेन करंट फ्लोस थ्रू अ कॉइल इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब यह है इलेक्ट्रोमैग्नेट की डेफिनेशन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट बेसिकली एक टेम्प्रेरी मैग्नेट होता है, और सिर्फ उस वक्त मैग्नेट बनता है जब उसके अंदर से करंट गुजर रहा होता है। जिस तरह ये सोलिनॉइड थी जो अभी हमने देखी पिछली एग्जाम्पल में, पिछले टॉपिक में, ये क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक है। The direction of the field produced by a coil due to the flow of conventional current can be found with the help of right hand grip rule. अब वो कहते हैं कि इसमें भी जो फील्ड की डायरेक्शन है वो हमें राइट हैंड ग्रिप रूल से ही पता लग जाएगी सोलिनॉइड में। इफ़ वी ग्रिप द कॉयल विद आवर राइट हैंड बाई कर्लिंग आवर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, आवर थंब विल इंडिकेट द नॉर्थ पोल ऑफ द कॉयल। अब वो कहते हैं कि एक करंट जा रहा है सोलिनॉइड के अंदर से और आपने उसको पकड़ लिया, और उससे क्या होता है कि आपको करंट तो लगेगा ही, लेकिन वैसे एग्ज्यूम करते हैं कि करंट नहीं लगता, और हम इससे डायरेक्शन फाइंड करना चाह रहे हैं। तो हमने क्या कहना है कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है ना लूप्स के अंदर से, उसी डायरेक्शन में हमने अपनी उंगलियां रख लेनी है। मतलब कि हमें पता है कि उंगलियां को जो आगे का हिस्सा है वो बताएगा कि डायरेक्शन क्या है करंट की, ठीक है। तो जो आपका थंब होगा ना, जो थंब जो आपने उसके ऊपर रखा होगा, जैसे यहाँ पे ये थंब है, ये आपको बता देगा किसकी डायरेक्शन, नॉर्थ पोल की, ठीक है। मतलब आपको पता है कि ये नॉर्थ है और इसके ऑपोजिट क्या होगा, हमेशा साउथ पोल होगा, ठीक है। सिर्फ आपको करंट की डायरेक्शन का पता होना चाहिए, और आपने उस डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन में आपने क्या रख दिया है, अपनी उंगलियों को कर्ल कर लिया, और उससे आपका अंगूठा आपको नॉर्थ और साउथ पोल की डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। अच्छा, अगला टॉपिक तो है, अगला टॉपिक हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।